जय हिंद डिफेंस लवर्स, आज की टॉप हेडलाइंस कुछ इस प्रकार है। जीपीएस पर से निर्भरता को कम करने के लिए भारत की कंपनी ने बनाई स्वदेशी नाविक चिप। हैक्टिविस्ट इंडोनेशिया ने दी इंडियन गवर्नमेंट के वेबसाइट्स को हैक करने की धमकी। टर्की ने इंडक किया दुनिया का पहला यूसीएवी कैरियर। चीन का कहना है कि यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट पर वो नहीं बेचेगा किसी को भी हथियार। और नॉर्थ कोरिया का नया वेपन फिर से चर्चा में। नॉर्थ कोरिया एक बार फिर से चर्चा में है और इस बार चर्चा का विषय बनी है नॉर्थ कोरिया की एक ब्रांड न्यू सॉलिड फ्यूल इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल और जिसका नाम है हवासोंग 18, जिसे अभी हाल ही में नॉर्थ कोरिया द्वारा पहली बार टेस्ट फायर किया गया है। और इस टेस्ट को लेकर नॉर्थ कोरिया के ऑफिशियल्स का कहना है कि उनकी ये नई इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल नॉर्थ कोरिया की न्यूक्लियर काउंटर अटैक पोस्चर इफेक्टिवनेस को प्रमोट करेगी और उनकी ऑफेंसिव मिलिट्री स्ट्रेटजी में एक बड़ा बदलाव भी लाएगी। और इस टेस्ट फायर का उद्देश्य था मल्टी स्टेज मिसाइल्स के लिए उनके हाई थ्रस्ट सॉलिड फ्यूल इंजन्स की परफॉर्मेंस को कंफर्म करना। और जबकि साउथ कोरियन मिलिट्री के मुताबिक नॉर्थ कोरिया ने जो मिसाइल टेस्ट करी है तो इसने ईस्ट सी को टच करने से पहले 1000 किलोमीटर्स तक ट्रैवल किया था। पर इस मिसाइल की एक्चुअल रेंज कितनी है तो इसके बारे में कोई ऑफिशियल कंफर्मेशन देखने को नहीं मिला है। और ये नॉर्थ कोरिया की पहली मिसाइल है जिसमें सॉलिड फ्यूल टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया गया है। इसके अलावा एक अपडेट यह है जिसमें आज शुक्रवार को चीन के विदेश मंत्री की तरफ से कहा गया कि चीन यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में शामिल किसी भी पक्ष को हथियार नहीं बेचेगा और डुअल यूज़ वाले आइटम्स के एक्सपोर्ट को रेगुलेट करेगा। और चीन के विदेश मंत्रालय की तरफ से ये जो कमेंट है ये खास करके यूएस और बाकी अदर कंट्रीज़ के उस कंसर्न के बाद आया है जिसमें कहा गया था कि रशिया यूक्रेन कॉन्फ्लिक्ट में जो चीन है वो रशिया को सैन्य सहायता देने पर विचार कर रहा है। बाकी इसके अलावा चीन के रक्षा मंत्री अगले सप्ताह रशिया में अपने रशियन काउंटर पार्ट के साथ एक मीटिंग कंडक्ट करेंगे और चीन के रक्षा मंत्री की जो रशिया विजिट है ये 16 अप्रैल से 19 अप्रैल तक रहेगी। टर्किश मीडिया की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक 10 अप्रैल को टर्किश नेवी की सर्विस में उनका पहला ड्रोन कैरियर इंडक्ट किया गया जो कि टर्की का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर और टर्किश नेवी की सर्विस में इंडक्ट हुई अभी तक की सबसे लार्जेस्ट वॉरशिप भी है और इसका नाम है TCG अनादोलू। और टर्किश मीडिया के मुताबिक एक दुनिया की पहली ऐसी शिप है जिसके एयर विंग मुख्य रूप से अनमैन्ड एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करने के हिसाब से बनाई गई है, यानी कि टर्किश मीडिया के मुताबिक ये दुनिया का पहला UCAV कैरियर है। और इस कैरियर की जो पिक्चर सामने आई है तो उसके डेक पर आप टर्की के लेटेस्ट बैरेक्टर TB3 UCAV को भी देख सकते हैं। और रिपोर्ट्स के मुताबिक टर्की का जो बैरेक्टर TB3 UCAV है तो ये 2024 तक उनके इस नए कैरियर से ऑपरेट करने के लिए तैयार हो जाएगा। और ये TCG अनाडोलू एक वर्टिकल एंड शॉर्ट टेक ऑफ लैंडिंग वाला एयरक्राफ्ट कैरियर है जिसका डिस्प्लेसमेंट है लगभग 27,000 टन। और जबकि इसी साल जनवरी में चीन की तरफ से भी दावा किया गया था कि उसने दुनिया का सबसे पहला सी बॉर्न ड्रोन कैरियर विकसित किया है जो कि खुद से ही इंडिपेंडेंटली फंक्शन भी कर सकता है। और चीन के इस ड्रोन कैरियर का नाम है जुहाईयान, लेकिन इसे चीन की एक अनमैन सिस्टम साइंटिफिक रिसर्च शिप की तरह बताया गया। जबकि टर्की के सर्विस में जो कैरियर इंडक्ट किया गया तो वो दुनिया का पहला ऐसा कैरियर है जिससे मुख्य रूप से UCAVs ऑपरेट किए जाएंगे। ब्राजील में आयोजित लैटिन अमेरिकन डिफेंस एंड सिक्योरिटी एक्सपो 2023 में इंडियन इंडस्ट्रीज ने भी पार्टिसिपेट किया था जिसमें उन्होंने अपनी स्वदेशी कैपेबिलिटीज को डेमोस्ट्रेट किया है। जैसे कि BEL ने अपने कई अलग अलग रेंज के प्रोडक्ट्स जिनमें रेडार्स, कम्युनिकेशन सिस्टम्स, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स, इलेक्ट्रो ऑप्टिक डिवाइसेस और ऐसे कई अदर प्रोडक्ट्स को डिस्प्ले किया था। और BEL द्वारा बनाए गए इन अलग अलग प्रोडक्ट्स ने लैटिन अमेरिकन कंट्रीज से कई डिफेंस एजेंसीज, आर्म फोर्सेज, डिफेंस कंपनीज, तो इन सभी के रिप्रेजेंटेटिव्स को भी अट्रैक्ट किया है। इसके अलावा इस दौरान भारत के अस्त्र बियॉन्ड विजुअल रेंज मिसाइल से लेकर ब्रह्मोस मिसाइल तक को डिस्प्ले किया गया था। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि भारत के ब्रह्मोस मिसाइल में कई सारी कंट्रीज ने ऑलरेडी अपना इंटरेस्ट दिखाया है। और बाकी इंटरेस्ट से याद आया, अगर आप यहां तक वीडियो देख चुके हैं तो कृपया करके वीडियो को लाइक करना ना भूलें। ANI की तरफ से जारी रिपोर्ट के मुताबिक हैक्टिविस्ट इंडोनेशिया नाम का एक ग्रुप है जिसने भारत सरकार की 12,000 वेबसाइट्स की एक लिस्ट जारी करी है। और इस लिस्ट को लेकर इस हैक्टिविस्ट इंडोनेशिया नाम के ग्रुप का यह दावा है कि वे आने वाले दिनों में इन वेबसाइट्स पर साइबर अटैक करेंगे और उनमें सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट दोनों की वेबसाइट्स इंक्लूड हैं। और इस वार्निंग के बाद से भारतीय गृह मंत्रालय के इंडियन साइबर क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर की तरफ से अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि रिपोर्ट के मुताबिक भारत सरकार की वेबसाइट्स पूरी तरह से अपडेटेड हैं और कैपेबल हैं इस तरह के थ्रेट्स, इस तरह के नैरेटिव्स को हैंडल करने के लिए जो कि कुछ इल एलिमेंट्स द्वारा या तो भारत के अंदर से या फिर भारत के बाहर से ऑपरेट हो रहे हैं। बाकी अलर्ट सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट विंग्स, सभी एजेंसीज, इन सभी को सर्कुलेट किया गया है। और हैक्टिविस्ट इंडोनेशिया के इस नैरेटिव को I4C की साइबर थ्रेट इंटेलिजेंस विंग ने डिटेक्ट किया था और इससे रिलेटेड जो भी इनपुट्स थे वो सबसे पहले इंडियन कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम के साथ शेयर किए गए थे। और जो अलर्ट सर्कुलेट जारी किया गया है तो उसके मुताबिक हैक्टिविस्ट इंडोनेशिया नाम का ग्रुप भारत को टारगेट कर रहा है और उसने 12,000 इंडियन गवर्नमेंट वेबसाइट्स को हैक करने का एक नैरेटिव क्रिएट किया है जिसमें सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट की वेबसाइट्स आती हैं। और इस रिपोर्ट में सोर्सेज के हवाले से बताया गया है कि जो हैक्टिविस्ट इंडोनेशिया नाम का ग्रुप है तो ये केवल इंडियन वेबसाइट से नहीं बल्कि चीन, यूक्रेन और ऐसे ही बाकी अदर कंट्रीज पर भी अटैक कर सकता है।
और गृह मंत्रालय के साइबर एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस तरह का जो नैरेटिव है वो पिछले साल से ही चल रहा है, और जबकि पिछले साल भी गुजरात में कुछ वेबसाइट्स पर भी कुछ हैकर्स द्वारा इस तरह के हमले करने के प्रयास किए गए थे। और इसमें हैकर्स की कोशिश ये रहती है कि वे वेबसाइट पर एक हैवी इंटरनेट ट्रैफिक भेजें ताकि वेबसाइट स्लो हो जाए और जिससे वेबसाइट यूजर्स डायरेक्टली अफेक्ट हों। और बाकी वेबसाइट से याद आया, अगर आपको डिफेंस रिलेटेड आर्टिकल्स पढ़ने में इंटरेस्ट है तो आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट defensexp.com को जरूर विजिट कीजिएगा, और हमारी वेबसाइट पर कॉन्टैक्ट अब आप इंग्लिश के साथ हिंदी में भी प्राप्त कर सकते हैं। बाकी वेबसाइट का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। इसके अलावा एक अपडेट यह है कि 2018 में ब्रह्मोस एरोस्पेस के जिस फॉर्मर इंजीनियर को पाकिस्तान की ISI के लिए जासूसी करने के आरोप में गिरफ्तार किया गया था, तो अब ब्रह्मोस एरोस्पेस के इस फॉर्मर इंजीनियर को बॉम्बे हाईकोर्ट की तरफ से बेल ग्रांट की गई है। बाकी आपको बता दें कि ये 5 वर्षों से जेल में था और अब इसके केस का जो ट्रायल है वो पूरा नहीं हुआ है, और जिस फॉर्मर इंजीनियर की हम बात कर रहे हैं उनका नाम है निशांत अग्रवाल। आत्मनिर्भरता की तरफ एक और महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए बेंगलुरु बेस्ड स्पेस टेक्नोलॉजी कंपनी जिसका नाम है एलिना जियो सिस्टम्स, तो इन्होंने स्वदेशी तौर पर भारत के स्वदेशी नेविगेशन सिस्टम नाविक में इस्तेमाल करने के लिए एक चिप को विकसित किया है। और ये जो स्वदेशी चिप है ये कल गुरुवार को अनवील की गई थी, जो कि भारत में नेविगेशन, पोजिशनिंग और टाइमिंग एप्लीकेशंस की कोर को बनाने में मदद करेगी। ये चिप एलिना जियो सिस्टम्स के फाउंडर लेफ्टिनेंट कर्नल VS वेलन द्वारा भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान को कल हैंडओवर की गई थी, और इस दौरान DRDO चेयरमैन डॉक्टर समीर वी कामत और इंडियन एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल VR चौधरी भी मौजूद थे। इस चिप में कई सारी कोर्स हैं जो कि सिग्नल एक्विजिशन, रीजनरेशन, प्रोसेसिंग, तो इस तरह की अलग अलग रिक्वायरमेंट्स को पूरा करती है, और इसलिए इसे नाविक प्रोसेसर के रूप में नामित किया गया है। और ये नेविगेशन, पोजिशनिंग और टाइमिंग जैसी 3 अलग अलग तरह के एप्लीकेशंस के लिए हाई प्रिसिशन और एक्यूरेसी को इनेबल करेगी, और इस चिप की वजह से GPS पर से निर्भरता को कम करने में भी मदद मिलेगी। और इतना ही नहीं बल्कि कंपनी चिप्स और मॉड्यूल्स की मैन्युफैक्चरिंग के लिए एडवांस टेक्नोलॉजीज पर भी काम कर रही है, और इनमें से कुछ इंडियन आर्मी और प्राइवेट एंटिटीज को भी सप्लाई की गई है। और नेविगेशन के अलावा जो मिलिट्री ग्रेड की चिप है उनका इस्तेमाल लैंड, एयर, वाटर अलग अलग एप्लीकेशंस में किया जा सकता है। डिफेंस फोर्सेस के मामले में ये चिप इस्तेमाल हो सकती है हैंड हेल्ड डिवाइसेस में, ऑपरेशन लॉजिस्टिक एप्लीकेशंस के लिए सबमरीन्स में, रडार्स में, ड्रोन्स में, आर्टिलरी वेपन्स में और अदर वेपन प्लेटफॉर्म्स में भी। रिपोर्ट्स के मुताबिक ये 12 नैनोमीटर की चिप है जो कि मोबाइल फोन या फिर किसी भी हैंड हेल्ड डिवाइस में भी बड़ी आसानी से फिट हो जाती है, और ये भारत के नाविक, INSS, US के GPS या फिर रशिया के ग्लोनास इन सभी से सिग्नल्स रिसीव करने में सक्षम है। इस चिप की खास बात यह है कि एक तो ये साइज में बहुत छोटी है, दूसरा ये पावर हंग्री भी नहीं है, यानी कि ज़्यादा पावर की रिक्वायरमेंट इसमें नहीं चाहिए होती है, और इसमें सॉफ्टवेयर बेस्ड कंट्रोल मिलता है, और इस वजह से ये नाविक चिप वियरेबल्स या फिर मोबाइल्स इस तरह की छोटी डिवाइस के लिए भी बिल्कुल सुटेबल है, और इसका इस्तेमाल स्कूल बसेस से लेकर भारत के वेपन सिस्टम्स तक को ट्रैक करने में किया जा सकता है। और जबकि एलिना जियो सिस्टम्स ने इन नाविक चिप की सप्लाई को निरंतर बनाए रखने के लिए ताइवान स्थित एक चिप मैन्युफैक्चरर के साथ एग्रीमेंट भी साइन किया है, और कंपनी ऑफिशियल्स का कहना है कि हम डायरेक्टली फैक्ट्री को कंट्रोल करते हैं, सब कुछ उन्हें दिया गया है, हम कितने भी चिप्स बना सकते हैं, और हमें 10,000 चिप्स का पहला लॉट मिला है, और जबकि और भी अधिक चिप्स जल्द ही डिलीवर की जानी है। और बाकी अब समय है आज के इतिहास का। आज के दिन 2022 में सोपिया में एक ऑपरेशन के दौरान अपने अदम्य साहस और वीरता का परिचय देते हुए सुबेदार श्री ओम, हवलदार राम अवतार और सिपाही पवन सिंह गुर्जर ने अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया था। आज के दिन 2019 में जम्मू कश्मीर के माचल सेक्टर में LOC के साथ पेट्रोलिंग के दौरान एक गहरी खाई में गिर जाने की वजह से मेजर विकास सिंह ने भी अपने जीवन का सर्वोच्च बलिदान दिया। आज के दिन 2019 में झारखंड में नक्सल्स का मुकाबला करते हुए कांस्टेबल विश्वजीत चौहान भी वीरगति को प्राप्त हुए थे। बाकी आपके लिए आज का प्रश्न है कि हाई एल्टीट्यूड वॉरफेयर स्कूल कहां पर और कब स्थापित किया गया था। समय है आज के top 3 कमेंट्स का, जो ये रहे आपकी स्क्रीन पर। आज के इस एपिसोड के लिए इतना ही। उम्मीद आपको एपिसोड पसंद आया होगा। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और बाकी हमारे मर्चेंडाइज के नए डिजाइन को चेकआउट करना ना भूलें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और बाकी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें।